टारगेट्स हमेशा सोशल मीडिया पर ट्रॉल होते ही रहते हैं, खासकर नेपोटिज्म विवाद को लेकर। स्टार किड्स को ट्रॉल करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाता। आज हमारे इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे, श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर हो या खुशी कपूर, काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल होती हैं ये बेटियां भी। माँ के गुजर जाने के बाद कैसे उनकी बेटियां खूब रोई थी, कितना इमोशनल हुई थी, क्या आपको मालूम है? श्रीदेवी की बेटियों को ट्रॉल करने वालों को वाकई शर्म नहीं आई। कैसे उन्होंने उनके माँ के जाने के बावजूद भी उन्हें ट्रॉल करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जी हाँ, खुशी कपूर, एक बार खुशी कपूर ने एक ड्रेस कैरी की थी जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लेकिन बोल्ड थी। इसे देखकर इस शख्स ने लिखा, बुरे तरीके से उन्हें ट्रॉल करते हुए जो लिखा वो देखकर यकीनन आपको भी गुस्सा ज़रूर आएगा। जिस तरह से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रॉल किया गया, आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर लोगों ने उन्हें ट्रॉल करते हुए कहा, सी हर एज एंड सी हर गेटअप, वॉट नेक्स्ट नाउ, लेफ्ट नथिंग टू शो, शी इज स्कूल गर्ल गोइंग गर्ल, एटलीस्ट सम नाइस ड्रेसेज शी शुड हैव, वॉट टू डू, इंडियन कल्चर सोसाइटी इज लेफ्ट बिहाइंड नाउ। खुशी कपूर के ड्रेसिंग सेंस को लेकर लोग ऐसी बात कर रहे थे, जबकि खुशी कपूर ने काफ़ी खूबसूरत ड्रेस कैरी की थी। जानवी खुशी के फैन पेज पर ये फोटो काफ़ी वायरल हुई थी, जिसपे लोगों ने ट्रॉल करते हुए अजीब व गरीब कॉमेंट करते नजर आए थे। खुशी और जानवी को श्रीदेवी के जाने के बाद ट्रॉलिंग के इस दर्द से और भी गुजरना पड़ा है, क्योंकि जानवी और खुशी जो अपनी माँ पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थी, कितना पैम्पर करती थी श्रीदेवी अपनी बेटियों को, हर जगह मीडिया के सामने अपनी बेटियों को लाने वाली श्रीदेवी ही तो थी। बदकिस्मती थी जानवी की कि उनकी पहली फिल्म जब रिलीज़ हुई धड़क, तो ये फिल्म भी श्रीदेवी नहीं देख पाई, क्योंकि उसी साल फरवरी के महीने में, साल 2018 में श्रीदेवी गुजर गई, जिस साल मई के महीने में जानवी कपूर की फिल्म रिलीज़ हुई। उसी साल सोनम कपूर की शादी के वक्त भी उन्हें काफ़ी ट्रॉल किया गया था। देखिए आगे भी खुशी, जानवी की छोटी बहन जो बॉलीवुड में अभी आई नहीं, उन्हें किस तरह ट्रॉल किया गया। देखिए प्रिंसेस नाज नाम के शख्स ने लिखा, Why do they think showing their body will make them famous? But I have to say, she's got more looks than Janvi definitely. ऐसा कहा है एक शख्स ने। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहेंगे, आयशा ने कहा, If Shridevi would dare, she will never ever allow this type of clothes to her daughter. Janvi and Khushi over lost it. She ये लिखा है ट्रॉल करते हुए लोगों ने श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर के लिए, जो काफ़ी तकलीफ़ दे तो है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे तो है। वैसे आपको बताना चाहेंगे, हमारे इस खास रिपोर्ट में जानवी और खुशी कपूर को ट्रॉल करने वाले लोग इस तरह से उनके लिए जो ये पोस्ट शेयर करते हैं, बहुत ही तकलीफ़ दे है, क्योंकि जानवी और खुशी वो एक्ट जो वो स्टार किड्स हैं जो मोस्ट लवेबल कहलाती हैं, लेकिन लोग उन्हें ट्रॉल करने का कोई मौका फिर भी नहीं छोड़ते हैं। वैसे आपको शायद मालूम ना हो, हम आपको ये बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में, कि जिस तरह से खुशी कपूर बॉलीवुड में आने से पहले ही फेमस हो चुकी है, अपने लुक्स को लेकर वो काफ़ी ट्रॉल हुई थी, काफ़ी ज़्यादा हद तक। तो हमने आपको बताया ही कि कैसे खुशी कपूर को लेकर लगातार ही खबरें आ रही हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि खुशी कपूर सबसे ज़्यादा ट्रॉल होती रही है, लेकिन जानवी कपूर को भी कम ट्रॉल नहीं किया गया। जानवी कपूर के लिए भी कई तरह के ऐसे कमेंट्स आए जिसे सुनकर लोग काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में रहे, लेकिन इसके बावजूद खुशी अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई तक नहीं और उन्हें लोग इस तरह से ट्रॉल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसलिए लोगों को तकलीफ़ है इस बात की। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, खुशी कपूर के लिए जो ट्रॉलिंग का ये सिलसिला बना, इसके कारण खुशी काफ़ी तकलीफ़ में रही है। देखिए ज़रा किस तरह की ड्रेसेस को लेकर उनके पोस्ट सामने आए हैं, उनकी ड्रेस को लेकर कहा जा रहा है
अपने माता पिता की तरह डिसगस्टिंग हो तुम। श्रीदेवी और बोनी को भी इसमें नाम डाया जा रहा है। क्लोथ्स को लेकर, खुशी कपूर के क्लोथ्स को लेकर लगातार ही बातें की जा रही हैं। द मोमेंट वेन यू गेट रिच इवन अगली डकलिंग स्टार्ट लुकिंग ग्लैमरस, ये कहा जा रहा है, यानी कि बदसूरत है खुशी। ये तक कहा गया खुशी को कि श्रीदेवी को लेकर कहा गया कि श्रीदेवी के हाथों से निकल गई थी बेटी। डांसर लग रही है एंगेजमेंट में, एक गेस्ट कम लग रही है खुशी, ऐसा लग रहा है ये कहना है लोगों का। और ये कहा जा रहा है कि श्रीदेवी के गुजर जाने के बाद इन्हें चांस मिला है अभी सब करने का, तो सब करेंगी ये लोग। और कह रहे हैं कि तुम सबसे अच्छा तो 10,000 ज़्यादा अच्छा वो लड़कियां जो सिंपल ड्रेसेस में होती हैं। ये कहना है खुशी कपूर के लिए ट्रॉल करने वाले लोगों का। ट्रॉलर्स खुशी कपूर को लेकर इस तरह के कमेंट्स करते हैं, इस तरह से खुशी कपूर को ट्रॉल किया जाता रहा है। इस तरह से खुशी कपूर को ट्रॉल करते हुए लोग अपनी तरफ से बातें कहते आए हैं, जिसकी वजह से फैंस भी काफ़ी तकलीफ़ में तो रहते ही हैं। सोशल मीडिया पर खुशी कपूर को बहुत ही ज़्यादा ट्रॉल किया गया है। अगर आप ये कमेंट्स पढ़ रहे होंगे, ये जो आप ट्रॉलर्स के निशाने पर लाते हुए देख रहे होंगे कि ईशा अंबानी के एंगेजमेंट पार्टी में खुशी ने इस ड्रेस को कैरी किया था, जिसके लिए खुशी कपूर को काफ़ी ट्रॉल किया गया था। आपको बताना चाहेंगे, साल 2018 में जब श्रीदेवी का निधन हुआ, खुशी कपूर सिर्फ 16 साल की थी वो, और अपनी माँ के गुजरने के बाद वो कितनी तकलीफ़ में रही थी ये सब जानते हैं। आज भी खुशी कपूर अपनी ज़िंदगी में ऐसे भी अपनी बहन के साथ अपने समय के साथ वक्त को गुजार रही है, लेकिन लोग इस तरह से खुशी कपूर और जानवी कपूर को देखकर कभी कहते हैं कि सर्जरी इन्होंने कराकर इतने सुंदर हुई हैं, तो कोई कहते हैं कि ये लोग बहुत ही अजीब हैं। इस तरह से खुशी कपूर को बहुत ही ज़्यादा ट्रॉल किया जाता रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे, हमारी इस रिपोर्ट में शायद आपको मालूम ना हो दोस्तों, लेकिन खुशी कपूर बॉलीवुड में बहुत जल्द एंट्री करने वाली है, ये भी कहा जा रहा है। जी हाँ, खुशी कपूर शाहरुख के बेटे आर्यन खान के साथ एंट्री कर सकती है बॉलीवुड में। इस तरह के स्टेटमेंट्स काफ़ी आ रहा है, हालांकि सच वाकई में यही है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि खुशी कपूर को लेकर जो भी बातें लोग कहते हैं बहुत तकलीफ दे है। मदर्स डे पर खुशी ने अपनी मॉम की तस्वीरें शेयर की थी, और खुशी कपूर कितना ज़्यादा अपनी माँ को मिस करती हैं ये खुशी ही जानती है, जो आउट ऑफ इंडिया खासकर कैलिफोर्निया में ही अपने स्टडीज़ के लिए ज़्यादातर वक्त गुजारती हैं। वो फ़िलहाल इंडिया में नहीं है, अपनी स्टडीज़ US में ही कंप्लीट कर रही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।